हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, फेस्टिव सीजन चल रहा है और फेस्टिव सीजन पे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे बहुत सारी सेल देखने को मिल जाती है। आप भी इन सेल का फायदा तो जरूर उठाना चाहेंगे, तो क्या आप भी इस सेल का फायदा उठाना चाहते हैं और एक फोन खरीदना चाहते हैं, वो भी रियलमी का? तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पर हम एक रियलमी फोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं Realme का Narzo 20 फोन, वीडियो को जरूर देखिए। यह वीडियो देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि आपको वो फोन परचेस करना चाहिए या नहीं। गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे इस फोन के फर्स्ट लुक की, फीचर्स की एंड स्पेसिफिकेशंस की। ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपसे इसका कोई भी फीचर्स ना छूटे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, दिस इज रियलमी Narzo 20 बॉक्स। यह है बॉक्स, येलो और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बड़ा ही कूल लग रहा है। इस बॉक्स पर रियलमी की तरफ से इस फोन को नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन की ब्रांडिंग दी गई है। अब यह फोन नंबर वन पर रैंक करता है या नंबर टू पर रैंक करता है, ये तो इसे यूज करने के बाद ही पता चलेगा। तो आज हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और जानते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। Let's open the box. यहाँ पर हमें वेलकम टू रियलमी फैमिली देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखते हैं हमें केस मिलता है या नहीं। ओहो, यहाँ पर हमें कोई केस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर हमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, कुछ यूज़र मैनुअल्स मिल जाते हैं, इन जिन्हें हाँ आप पढ़ना चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं, फ़िलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें मिल जाता है स्मार्टफोन, इसे हम रखते हैं कुछ देर के लिए साइड में। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक ट्रेवल अडेप्टर, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। यहाँ मिल जाती है हमें टाइप सी पोर्ट के साथ यूएसबी केबल, ये देखिए टाइप सी पोर्ट के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस फ़ोन के साथ, टाइप सी पोर्ट। नाउ कम ऑन आवर स्मार्टफोन, सो दिस इज़ आवर स्मार्टफोन। देखिए, ये फ़ोन मिलता है हमें विक्ट्री डिज़ाइन के साथ। ये फ़ोन फ़िलहाल दो कलर वेरिएंट में उपलब्ध है, एक ग्लोरी सिल्वर और दूसरा विक्ट्री ब्लू। हमारे पास जो वेरिएंट है उसका कलर है विक्ट्री ब्लू, तो है ना गाइस, विक्ट्री ब्लू कलर के साथ हमारा फ़ोन कितना शाइन कर रहा है। बैक पैनल पे हमको मिल जाते हैं ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप विद फ्लैशलाइट, जहां पर हमें 48 मेगापिक्सल का नॉर्मल रियर कैमरा मिल जाता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा मैक्रो कैमरा विथ फ्लैश लाइट। यहाँ पर हमें बैक पैनल पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि बहुत ही क्विक एंड स्मूथली काम करता है। अगर हम इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल के साथ, 2.0 अपर्चर के साथ हमें ये कैमरा मिल जाता है। अगर हम इस कैमरे के मोड की बात करें तो यहाँ पर हमें AI पोर्ट्रेट मोड, AI ब्यूटी मोड एंड AI फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। अब हम इस फ़ोन के राइट साइड पर आते हैं तो राइट साइड पे हमें दो की देखने को मिल जाती है। फर्स्ट की है पावर ऑन ऑफ की एंड सेकंड की है पावर अप एंड डाउन की। लेफ्ट साइड में बात करें तो हमें यहाँ पर डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाता है, यह है सिम इजेक्टर टूल, इसको इसमें डालने से सिम ट्रे आ जाती है बाहर। ये देखिए, यहाँ पर हमें दो नैनो सिम एंड 1 SD कार्ड स्लॉट एक साथ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ के बॉटम की बात करें तो यहाँ पर हमें स्पीकर देखने को मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, माइक्रोफोन मिल जाता है एंड 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। इसके टॉप की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। की बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें मिल जाती है 6000 mAh की लिथियम आयन बैटरी। जी हाँ, 6000 mAh एक बहुत ही अच्छा बैकअप हमें मिल जाता है
फ़ोन देखने को हमें थोड़ा हैवी महसूस होता है। यहाँ पर हमें 6000 mAh की बैटरी भी मिलती है, तो हमें थोड़ा बहुत हैवीनेस तो फेस करना ही होगा। यहाँ के प्रोसेसर की बात करें तो हमें मिलता है मीडिया टेक हीलियो G85 का पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर, जिससे आप यहाँ पर गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। का फर्स्ट लुक हमें ऐसा देखने को मिलता है। इसके होम बटन पे हमें कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर है, फोन लॉग है, क्रोम है, गैलरी है, कैमरा है। देखते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस। यहाँ पर हमें नाइट मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, 48 MP का कैमरा मिल जाता है। मोर में हम जाते हैं तो यहाँ पे स्लोमो, टाइम लैप्स, अल्ट्रा मैक्रो, पैनो, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें डार्क मोड ऑप्शन भी मिलता है। चलिए हम डार्क मोड कर लेते हैं। ये देखिए हमारे फ़ोन के सारे फीचर्स डार्क मोड में आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। ये फ़ोन हमें दो टाइप की स्टोरेज कैपेसिटी में मिलता है। दोस्तों हम बात करें 4 GB RAM एंड 64 GB ROM वाले वेरिएंट के फ़ोन की कीमत की, तो वो हमें मिलता है 12,999 रुपीज़ में, और 4 GB RAM एंड 128 GB ROM की वाले वेरिएंट की बात करें तो वह फ़ोन हमें मिलता है 13,999 में। दोस्तों क्या आपको ये फ़ोन अभी भी महंगा लग रहा है? तो चिंता मत कीजिए, आप इसे और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। अगर आपके पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, या HDFC बैंक का डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, तो आपको इन दोनों कार्ड से पे करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। जी हाँ, अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप पेटीएम वॉलेट से भी पे करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 125 रुपीज़ का इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है। तो दोस्तों 4 GB RAM एंड 64 GB ROM वाला फ़ोन जहाँ आपको 12,999 रुपीज़ में मिल रहा था, वहाँ आप इसे ओनली 9,449 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। एंड 4 GB RAM एंड 128 GB ROM वाला फ़ोन आप परचेज कर सकते हैं 10,449 रुपीज़ में। तो दोस्तों देर किस बात की, अगर आपको इस फ़ोन के फीचर एंड स्पेसिफिकेशंस पसंद आए तो अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट पे जाइए और तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। अभी अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, तो आपको ये फ़ोन बहुत ही सस्ता मिलेगा और बहुत ही फास्टेस्ट डिलीवरी होगी। तो दोस्तों आपको Realme Narzo 20 की अनबॉक्सिंग वाली ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, और उसके पास घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब के लिए बाय बाय, टाटा।